हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2008 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोम का है। ए एक्सियल रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। ये कोई शाफ्ट है ठीक है, इसमें बेंडिंग सब्जेक्टेड है ठीक है। तो बोला आउटर सरफेस पे इस पे कंप्रेसिव रेसिडुअल स्ट्रेस किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से रह जाना ठीक है। अंडर ए गिवन बेंडिंग लोड द फटीक लाइफ ऑफ द शाफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज, बोला है कि जो भी बेंडिंग लोड गिवेन है इस कंप्रेसिव स्ट्रेस के होने की वजह से इसकी फटीक लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है। पहला डिक्रीज होगी, दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल बेंडिंग लोड एंड डी ऑप्शन इंक्रीज, सी ऑप्शन मिस हो गया है। सी ऑप्शन नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, सी ऑप्शन आप यहां लिख लीजिए, सी ऑप्शन नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो देखिए कंप्रेसिव नेचर का है सरफेस पर ठीक है। तो बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग में आपका आउटर सरफेस पर टेंसाइल स्ट्रेस आता है ठीक है, उसी टाइम बॉटम पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। जब भी बेंडिंग करते हैं तो दो टाइप के, जब भी बेंड होने की कोशिश करेगा क्या होगा, इस तरीके से बेंड, ये शाफ्ट इस तरीके से बेंड होगा। तो ये सरफेस एलोंगेट होगा, यहां पर टेंसाइल कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस आएगा ठीक है। और पहले से इसमें रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो ये दोनों कुछ ओवरलैप हो गए, इस टेंसाइल की वैल्यू को कम कर देंगे। ये कंप्रेसिव जो है, ये टेंसाइल की वैल्यू जितनी आ रही होगी बेंडिंग से इफेक्टिवली, उसको यहां कंप्रेसिव स्ट्रेस होने की वजह से वो कम हो जाएगी। तो जैसे टेंसाइल स्ट्रेस कम होगा तो ओबवियस बात है इसका लाइफ बढ़नी चाहिए, फेल्योर कम होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस का, तो इसलिए ये फेवरेबल कंडीशन होती है बेंडिंग के केस में ठीक है। बेंडिंग के केस में कभी भी अगर रेसिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो उस केस में आपकी फटीग लाइफ में इंक्रीमेंट होता है ठीक है। रीजन आपको मैंने बताया कि जो टेंसाइल लोड आएगा उसको इफेक्टिवली ये डाउन कर देगा ठीक है, कि ऑलरेडी वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस है ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो आएगा तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो भी बचेगा, टेंसाइल स्ट्रेस जो भी आएगा उसकी वैल्यू से कम होगा ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लाइफ में इंक्रीमेंट होगा, तो फटीग लाइफ इसकी बढ़ेगी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया ठीक है। कोई और डाउट हो और क्लियर नहीं हुआ हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।